मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। हमारे नए रिश्तेदारों से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रेखा वर्मा, बुलाने का कारण अगर जानना चाहती हो तो मैं अवश्य बजाऊंगा। हम इस गाजियाबाद जिले में काफी तहलका फैला हुआ है। उसका तहलका चारों तरफ फैला हुआ है, लिहाजा आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं। दीवान कम हे भी हो, दीवान मुझे नहीं लगता है इस इलाके से क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि ऐसे से आप इस सड़क रजा जाएंगे तो क्राइम कभी नहीं। मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, जब तक उस तेरे बबर को हम यहाँ नहीं बुलाते हैं और इस गाजियाबाद से क्राइम खत्म नहीं होगा। Yeah!
विजय चौहान को। विजय चौहान एक ऐसा अफिसर है जो गाजियाबाद से क्राइम को खाती कर सकता है। लगातार बुलाओ। हेलो, हाँ मैं थाने से चौकीदार बोल रहा हूं। हाँ ऐसा सर, आप थाने को जल्दी से चले आइए, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। जी ठीक है, नमस्ते। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपने हमें थाने बुलाया और यहां आने की इतनी दिक्कत उठाई। अरे हमारा ट्रांसपोर्ट कोई से भी थाने में कराया गया है और हम ड्यूटी के लिए आ रहे थे, रिश्ते में वह रिश्ते हमारे मैसेज गया कि आप थाने में आए हैं, आखिर यहां आने का कारण और क्या कहना चाहते हो, आपके क्या ऑर्डर है वो हमें बताओ, मैं उन ऑर्डरों को फॉलो करूंगा। विजय सिंह बुलवाया, तुम्हें बुलवाया और बुलवाया हो मौजूद है जी हाँ, और इसीलिए खास तौर पर हमारा ट्रांसफर अजमेर से गाजियाबाद में कराया जी हाँ। सर अब कहना है हमारा कि इंस्पेक्टर भेजा जा जाता है, या तो डाकू वहां से अपना इलाका बदल देते हैं, या तो इंस्पेक्टर भेजा से उन्हें ऊपर पहुंचा देता है। इंस्पेक्टर नहीं, आखिर कहना क्या चाहते हो? ऑफिसर को यहां तैनात किया, या तो वो मर गया या अपना ट्रांसफर करा लिया। ऐसी आपके कहने के मतलब इतना खतरनाक इंसान है जो पुलिस वाले को अपने गोलियों का शिकार बना देता है और जो ऑफिसर डर जाता है वो यहां से अपना ट्रांसफर करवा लेता है। चिंता मत करें, पार्टी की भाई पार्टी कानून का सब निभाऊंगा भाई, देखूंगा तैसा खुखर भैरव हरो चिंता मोटा पका
बात की डर हाथों से बच के नहीं जाएगा। तार करे तार करे मार के लाऊं मैं जेल की ठंड ठंड। इंस्पेक्टर, उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा। और क्या बात है? बात यह है कि इस इलाके में डाकू भैरव ही नहीं, इस इलाके में मेरे कन्फर्म में आया है कि इस मत में का धंधा होता है। क्या? लड़कियों का व्यवहार होता है और गरीब बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। आपके कहने का मतलब सर, क्या पत्रा ने अपने पाप फैला दिए है? आए दिन जगह की रॉबरी तो होती रहती है, उसके साथ साथ काले धंधे और स्मगलिंग, इसके मतलब इस जुर्म में कोई और भी शामिल है। इसीलिए तो आमतौर आपकी तैनाती काजी आवास थाने में की गई है। राइट सर। लेकिन आज इंस्पेक्टर विजय सिंह शपथ लेता है कि मैं जानते सारे काले धंधे और भ्रष्टाचार अगर सर से उखाड़ कर नहीं भेजा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान नहीं है। और रही दूसरी बात भैरव की, तो मेरा वादा है सर, अरे भैरव तो क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, अरे भैरव तो क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर। वाह वाह, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए काटे। आप तुझे आयु में काफी टाइम हो चुका है, जाकर अपने हेडक्वार्टर पे आराम कीजिए। मैं भैरव की सूचना मिलते ही आपको तत्काल खबर कर दूंगा। और रही भैरव की गिरफ्तारी की बात, तो आठ दिन के अंदर भैरव सिंह गाजियाबाद की सेल में होगा। ये हमारा विजय चौहान, हमें सिर्फ उस डाकू को ही नहीं पकड़ना है, इस इलाके से क्राइम को खत्म करना है। इंस्पेक्टर विजय चौहान के रहते ही है नो क्राइम। अगर क्राइम को जीरो बटा जीरो न कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय चौहान नहीं है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं वादा करता हूं सर, इस वर्दी को उतार कर आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन विजय चौहान, अगर कोई और ख्वाहिश है या कोई तमन्ना है तो हमें बताओ। ख्वाहिश तो है सर, पर ये सोच रहा हूं कि मेरा स्टेट बदल चुका है, मैं अजमेर से इस गाजियाबाद में आ चुका हूं, क्योंकि हमारे काम करने के तरीके कुछ अलग है। मैं समझता हूं आपके काम करने के तरीके जरा दूसरे के तरीके से है, लेकिन आपका सहयोग और आपका साथ इंस्पेक्टर रेखा वर्मा देती रहेंगी। और कोई ख्वाहिश है तो बोलो। ख्वाहिश तो है सर, किस बात की? और आपके हम वो कहना भी चाहते ही बोलो, क्या कहना चाहते? मैं यह कहना चाहता हूं सर कि अगर आप हमारे शब्द को ऑपरेट करें तो यहां से क्राइम खत्म हो सकता है। हम पुलिस अधीक्षक हैं, यानी पुलिस के अधिकारी हैं, हम अगर अपने जवानों को कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो फिर ठीक है सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे काम में किसी प्रकार की कोई दखल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर आप जानते हैं जब भी हम किसी बड़े मुलजिम पे हाथ डालते हैं तो यहाँ के नेता नेता और मुख्यमंत्री उनकी सिफारिश के लिए आ जाते हैं। ओके, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम ये चाहते हैं सर कि हमारे काम में कोई दखल अंदाजी न की जाए, अगर इस बात का हमें छूट मिल सकती है तो सर हमारा वादा है क्राइम जीरो बटा जीरो। विजय चौहान, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट मिलेगी और आज मैं आपको पूरी छूट देता हूं, लेकिन अब जो भी काम करना कानून के दायरे में रहकर करना सर। और मैं
ये भी पता मालूम हुआ है कि आप जोश में होश को खो देते हैं। शायद आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं कि नौकरी हम अपनी शाप और भारत माता की रक्षा के लिए करते हैं। अरे हम हमारी भी बहुत सी जमीन आते हैं, अगर हम चाहे तो बैठ कर अपनी हवेली में भी खा सकते हैं। लेकिन सर मैंने ये सोचा क्यों ना इस भारत माता की रक्षा की जाए और जो मजलूमों के जुल्म और आयुष्य मिटाया जाए। वाह बहुत खूब, तो हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है, और लेकिन काम करना कानून के दायरे में हो गया। राइट राइट सर, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, सत्य हो। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर खबरवा बोलिए सर, आज से पा टहल का जहां तक लगता है वहां तक कोई भी किसी प्रकार का क्राइम नहीं होना चाहिए, और अगर क्राइम की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो तत्काल वहां पुलिस बल तैनात होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि कुछ ऑफिसर रिश्वत लेकर ये जुल्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन रेखा वर्मा, जब तक इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान गाजियाबाद थाने में तैनात है इसी प्रकार का कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। अपने खबरियों को चारों तरफ फैला दो, और अगर खबरी कम है तो इंस्पेक्टर विजय सिंह की तरफ से दो चार खबरी और बढ़ा दो। ठीक है सर। वो पता लगाए कि आखिर ये काले धब्बे कहां से होते हैं, स्मगलिंग असलहों की सौदेबाजी। और हमें खबर मिली है कि यहां पर जहरीली शराब का भी धंधा होता है, ये सारे क्राइम बंद होने चाहिए। अमलदार आगे बढ़ रहे, ये बताओ रे सर, पेट तो तुम्हारा भोसड़ी का इससे लग रहा है कि रामगढ़ का मील है। अरे सर कोई लोन बचा खा मुटा दे, दूध खा मुटा। एक दिन सेहत अच्छी नहीं होती है अमलदार, तो हम क्या करें सर, मजबूर हैं हम, मछली गोश्त खाते हैं ज्यादा। कौन हो? क्या भयंकर सिंह? हाँ हाँ बोल रहा हूं। ठीक है सर, ऐसा है वो जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह वो थाने में आपसे मिलना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ के जमींदार? हाँ हाँ। चौकीदार? नहीं सर, जमींदारी तो बहुत पहले चला करती थी। हाँ लेकिन ये जमींदार अभी भी इस रियासत में है। खैर कोई बात रही, अगर आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी समस्या सुनी जाए। ठीक है सर, जाओ उनको तत्काल अंदर बुलाओ। ठीक है ठाकुर साहब, आइए।